पनवेल महानगर पालिका के पहले मनपा चुनाव को लेकर आज मतदान जारी है और ऐसे में इस वक्त विधायक प्रशांत ठाकुर ने अपने पत्नी सहित आज मतदान किया है और इस वक्त हमारे साथ वो खुद मौजूद हैं। सर, किस तरह का माहौल देखने मिल रहा है? खुद आप अपनी पत्नी सहित आज मतदान आपने वोट किया है, किस तरह से देखते हैं पूरे इस मतदान को? पनवेल महानगर पालिका का पहला मतदान आज होने जा रहा है और नए क्षेत्र से इस महानगर का गठन होने के बाद लोगों के मन में ये भावना है कि हमें इस शहर को बड़ा होते देखना है और इस शहर को बड़ा होते अगर देखना है और उसे जल्द से जल्द ये हमारा जो ख्वाब है इसको पूरा होते देखना है तो इसके लिए स्पीड डेवलपमेंट की आवश्यकता है और स्पीड डेवलपमेंट केवल भारतीय जनता पार्टी और युति दे सकती है। ये लोगों में विश्वास है और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग ये विश्वास वोट के माध्यम से प्रकट करेंगे। मगर देखा जाए तो अगर लोग देखे जाएँ तो वो पूरी तरह से गांव की ओर रुख रखा है क्योंकि वैकेशन्स हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, ऐसे माहौल में क्या लगता है कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज में काफ़ी असर देखने मिलेगा आपको लगता है? शायद वोटिंग पर इसका थोड़ा बहुत असर हो भी जाए पर मैं समझता हूँ कि आज वोटिंग की जिम्मेदारी है, जो आज यहाँ पर मौजूद है वो ज़रूर वोटिंग करने जाएंगे, अपने वोट के माध्यम से उन्हें अपना अधिकार यहाँ पर क्यों इस शहर की बागडोर हम किसकी ओर संभालें तो ये उनको चयन करना है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो आपने कहा छुट्टियों का और ये सारा असर हो सकता है और उसके लिए कुछ हद तक आज कुछ किया नहीं जा सकता, आज इतना ही किया जा सकता है जो वोटर अवेलेबल है उसने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग करना चाहिए और उसके लिए हम लोगों के पास जाकर हमारे कार्यकर्ता उसके लिए अपील कर रहे हैं। एक तरफ शेकाप कांग्रेस एनसीपी, दूसरी तरफ बीजेपी और तीसरी तरफ देखा जाए शिवसेना, किस तरह से देखते हैं इस लड़ाई को? मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई लोगों में विश्वास की भावना किसके प्रति है ये जताने की है और मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब पनवेल में आते हैं, खारघर में आते हैं और कहते हैं कि आप हमें समर्थन दीजिए, हम पूरा डेवलपमेंट करके देंगे, तो यहाँ पर ये आपने बाकी कुछ नाम गिनाए, इन नामों की कोई अहमियत नहीं रहती। लोग आज कुछ भी माहौल हो, लोग आज डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि अपनी जो बुनियादी समस्याएं हैं वो मिट जाए, तो इसके लिए आज जो प्रयास हुए हैं इसमें महानगर पालिका जब बनी है तो इसमें कलेक्टिव एफर्ट्स आएंगे और इसके माध्यम से हमारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्या लगता है कि जैसे देखा जा रहा है कि ग्रामीण इलाके में है वो बड़े पैमाने पर अब तक मौजूदा स्थिति में मतदान हो रहा है एज़ कम्पेयर टू शहरी इलाका, क्या कहें? मैं समझता हूँ कि ये गांव का एक नेचर रहता है कि गांव के लोग बड़ी संख्या में वोटिंग के लिए सुबह के समय में उतरते हैं और जो शहरी इलाका रहता है शहरी इलाके में लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से, कोई सुबह जल्दी जाता है अपनी सहूलियत के हिसाब से और गांव में एक तरीके का एक ऐसा इन्वायरमेंट बना रहता है कि अगर विभिन्न पार्टियाँ उसमें हो तो अलग अलग पार्टियों के लोग सुबह 5 बजे सबको उठा देते हैं, गांव का एक माहौल रहता है कि सबको उठना है। लोग आपको पता चलेगा कि शहर में कई बार 6-6:30 बजे उनका पोलिंग एजेंट जो है अलग अलग पार्टियों का वो पहुंच नहीं पाता, गांव में सारा गांव जगा रहता है, सारा गांव पोलिंग सेंटर पे रहता है, तो ये एक अलग माहौल है और मैं समझता हूँ कि ये जो फीलिंग है गांव के लोगों के अंदर ये शहर में आनी चाहिए। आज पनवेल शहर में कई सारी जगहों पर आपको ये फीलिंग देखने को मिलेगी। महानगर नए सिरे से बन रहा है, पहला वोटिंग है, शायद 2-3 वोटिंग के बाद आप देखेंगे कि शहरों में भी इसी तरीके की भीड़ सुबह के समय में लगी रहेगी, ये विश्वास हमें अर्जित करना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भले ही इस मौजूदा स्थिति में कम प्रतिसाद लोगों को देखने मिल रहा हो वोटिंग को लेकर, मगर आने वाले समय में ज़रूर भाजपा ही जीत का परचम लहराएगी ऐसा विश्वास विधायक प्रशांत ठाकुर को है। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ गंगा सिंह राजपुरोहित, ईडब्ल्यू नेटवर्क के लिए।